नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में आज 15 उम्मीदवारों ने किए नामांकन। पौड़ी से भाजपा उम्मीदवार तीरथ सिंह रावत और टिहरी से माला राजे लक्ष्मी शाह ने भरा पर्चा। नामांकन करने वालों में माकपा, बसपा और अन्य शामिल। राज्य की पांचों लोकसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार घोषित। नैनीताल से अजय भट्ट को मिला टिकट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दावा किया, इस बार भी बीजेपी की होगी विजय। राज्य में कांग्रेस के उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची का भी इंतजार। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने टिकट के लिए पेश की दावेदारी। प्रीतम सिंह ने टिहरी सीट के लिए खरीदा नामांकन पत्र। और विश्व जल दिवस पर दिया गया जल संरक्षण का संदेश। पौड़ी में पानी राखो मुहिम के प्रणेता सच्चिदानंद भारती ने कहा, पानी के मूल स्रोतों को बचाना बेहद जरूरी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटों के लिए पहले चरण में हो रहे चुनाव में आज ताजा समाचार मिलने तक 15 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किया है, जिसमें भाजपा के साथ ही बसपा, माकपा, उक्रांद और निर्दलीय शामिल हैं। प्रदेश की टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने देहरादून में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि वो विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगी। माला राज्य लक्ष्मी शाह तीसरी बार इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। 2012 के लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साकेत बहुगुणा को हराया था। 2014 के चुनाव में उन्होंने उन्हें दोबारा शिकस्त दी। मैं चाहती हूं कि जो भरोसा मुझ पर किए हैं मैं वो पूरा कर सकूं, और मेरे लोगों के लिए और मेरे सरकार, मेरे प्रधानमंत्री के लिए, मेरे कमल के लिए मैं अच्छा कर सकूं, और हम सब मिलकर हमारा प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाए और देश का प्रोग्रेस हो, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री ना हमें कभी मिला था। माला राज्य लक्ष्मी शाह के नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा समेत पार्टी के कई विधायक मौजूद थे। पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट के लिए आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी के कई विधायक और बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। नामांकन के लिए सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत और विधायक ऋतु खंडूरी भूषण और मुन्नी देवी शाह उनके प्रस्तावक रहे। लोकसभा प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत ने कहा कि भुवन चंद खंडूरी मेरे आदर्श हैं और उनके आशीर्वाद के साथ ही मैं चुनाव मैदान में हूँ। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी देश को बचाने के लिए आगे बढ़ रही है, भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। बाकी पार्टियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगी हैं, कोई है नहीं सामने। मैं जनरल खंडूरी जी का आशीर्वाद लेके आया हूँ। जनरल खंडूरी जी बीच में किसी सभा में आने वाले हैं और लड़की ऋतु यहाँ प्रस्तावक है। मैं कह सकता हूँ कि मुझे उनका बहुत बहुत आशीर्वाद रहा और उन्होंने केवल शायद कि उन्होंने मेरा नाम आगे बढ़ाया। पौड़ी सीट से रिटायर्ड मेजर जनरल बीसी खंडूरी 5 बार सांसद चुने गए हैं। इस बार तीरथ सिंह रावत इस सीट से उम्मीदवार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी और विधायक ऋतु खंडूरी उनके प्रस्तावक हैं, जबकि बेटे मनीष खंडूरी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कार्यक्रम में ऋतु खंडूरी ने कहा कि एक परिवार में दो मत हो सकते हैं, लेकिन उनकी और उनके पिता बीसी खंडूरी की प्रतिबद्धता भाजपा के साथ है। शुभकामनाएं हैं। एक परिवार में रह के दो आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, उन्होंने वो आइडियोलॉजी चुनी है। बहन हूँ तो उनको शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन अपने पार्टी के लिए मैं ईमानदारी से काम करूंगी और पुरजोर कोशिश करेंगे। नामांकन के बाद रामलीला मैदान में जनसभा आयोजित की गई, जिसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबोधित किया। और टिहरी सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राजे लक्ष्मी शाह के नामांकन के मौके पर देहरादून में बीजेपी महानगर कार्यालय में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं का जोश बता रहा है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में आएंगी। कार्यकर्ताओं का जोश आज ये बता रहा है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें
ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में तो जाएंगे ही, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ। और पिछली बार जो 55% मत भारतीय जनता पार्टी की झोली में गया था, उससे बढ़कर जाएगी। ये हमारे कार्यकर्ताओं का जोश, जनता का जोश, ये आज ये साबित कर रहा है। कांग्रेस के सैम पित्रोदा के बयान पर मुख्यमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सेना से जुड़े मामलों में बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। अध्यक्ष सैम पित्रोदा, उन्होंने आज पाकिस्तान दिवस के अवसर पर ट्वीट किया और कहा कि जो पुलवामा की घटना हुई उसके लिए पाकिस्तान को दोष देना ये गलत है। उसके बाद जो एयर स्ट्राइक किया गया वो भी गलत है। मैं समझता हूँ कि उन ताकतों को जो इस देश को मजबूत नहीं देखना चाहती हैं, इस देश को तोड़ना चाहती हैं, उनको प्रोत्साहित करती हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ट्वीट कर कहा था कि पुलवामा हमले के लिए पूरे पाकिस्तान पर आरोप लगाना सही नहीं है। साथ ही उन्होंने मुंबई हमले के लिए पूरे पाकिस्तान को दोषी करार देने को गलत बताया। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी आलाकमान ने 3 सीटों पर एक बार फिर निवर्तमान सांसदों पर ही भरोसा जताया है। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा, हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और टिहरी लोकसभा क्षेत्र से माला राज्य लक्ष्मी शाह को प्रत्याशी घोषित किया है। जबकि नए उम्मीदवारों के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को नैनीताल संसदीय सीट से और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा नेता तीरथ सिंह रावत को प्रत्याशी घोषित किया है। राज्य के 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, इसलिए पार्टी में तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। और मैं आभारी हूँ सोनिया जी का और राहुल जी का कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया। तो भैया 4 सीटें यहाँ सामान्य है, 4 सीटों में से जहाँ आपको ये लगता है कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, किशोर उपाध्याय वहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और मुझे उत्तराखंड की जनता पर और कांग्रेसजनों पर विश्वास है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि पार्टी आलाकमान जिसे भी टिकट देगा, पूरी पार्टी उस नेता का चुनाव जिताने के लिए एकजुट होकर काम करेगी। ये आलाकमान तय करता है, जिसे भी आलाकमान टिकट देगी कांग्रेस के तमाम साथी उनको जिताने का काम करेंगे। हालांकि 25 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस आज कल में ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 20 राज्यों में 184 उम्मीदवारों की कल रात पहली सूची जारी की। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। इन तस्वीरों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की आम चुनाव के लिए 184 उम्मीदवारों की सूची सामने आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर से, गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ से, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की पहली लिस्ट में 20 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश 28, पश्चिम बंगाल 28, कर्नाटक 21, महाराष्ट्र 16, राजस्थान 16, केरल 13, उड़ीसा 10, तेलंगाना 10, असम 8, छत्तीसगढ़ 5, तमिलनाडु 5, उत्तराखंड 5, जम्मू कश्मीर 5, आंध्र प्रदेश 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, अरुणाचल प्रदेश 2, गुजरात 1, सिक्किम 1, मिजोरम 1, दादर नगर हवेली 1, अंडमान निकोबार 1 और लक्षद्वीप 1। इनमें शामिल हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह गाजियाबाद से, महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनावी मैदान में होंगे, बागपत से सत्यपाल सिंह, मुजफ्फरनगर से संजीव वालियान, मथुरा से हेमा मालिनी और मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल को टिकट दिया गया है। राजस्थान में जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौर, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, पाली से पीपी चौधरी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह को टिकट दिया गया है।
महाराष्ट्र में राव साहेब दानवे को जालना से, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से पूनम महाजन, बीड से प्रीतम मुंडे और चंद्रपुर से हंसराज अहिर को टिकट दिया गया है। उत्तराखंड के उम्मीदवारों की बात करें तो अल्मोड़ा से अजय टिमटा, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक, नैनीताल से अजय भट्ट मैदान में होंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष मेदिनीपुर से और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो आसानसोल से उम्मीदवार होंगे। कोलकाता नॉर्थ से राहुल सिन्हा और कोलकाता साउथ से सीके बोस चुनाव लड़ेंगे। बीजेडी से आए बैजयंत जय पांडा को उड़ीसा की केंद्रपाड़ा से मैदान में उतारा गया है। भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी, धेनकनल से रुद्र नारायण पैनी, बालासोर से प्रताप सारंगी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अरुणाचल वेस्ट और जितेंद्र सिंह उधमपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पिछले चार दिन में मैराथन बैठकों का दौर जारी था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात के 2-2 बजे तक मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। बुधवार की रात भी मीटिंग हुई। 3 दिन की माथापच्ची के बाद होली के दिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। आज विश्व जल दिवस है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि पानी की मांग पूरी करने के लिए जल संरक्षण बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में पानी रखो मुहिम के प्रणेता सच्चिदानंद भारती कहते हैं कि जब तक पानी के मूल स्रोतों को नहीं बचाया जाएगा तब तक पानी की शुद्धता और संरक्षण संभव नहीं है। सच्चिदानंद ने गांव वालों को साथ लेकर पौड़ी गढ़वाल के उफरेखाल क्षेत्र में चाल खाल बनाकर क्षेत्र के जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया है। छोटे छोटे गाड गदेरों से मिलकर के ही गंगा जी बनते हैं, तो इसलिए अगर हम अपने छोटे छोटे गाड गदेरों को बचा सकें, उन जल स्रोतों को बचा सकें जिनसे हमारे गाड गदेरे बनते हैं, तो हमारी गंगा जी बच जाएंगे। अब हमने इसी एक काम को आगे बढ़ाने का आधुनिक ज्ञान के साथ पुरानी परंपरा को जोड़ करके हमने अपने चालखाल बनाए और उन्हें जल तलैया नाम दिया। पर्यावरणविद पद्मश्री अनिल जोशी भी जल संरक्षण पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि सूख चुके पानी के स्रोतों को पुनर्जीवित कर पानी के घोर संकट से बचा जा सकता है। 20,000 पानी की बोतलें बिकती हों, तो आप कल्पना कर लीजिए कि यही एक बड़ा संकेत है कि 20 रुपए की पानी की बोतल और गाँव में 20 रुपए का दूध नहीं उठाया जाता, तो आप समझ लीजिए कि पानी कितना दुर्लभ हो चुका है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने आज के दिन जल दिवस मनाने का निर्णय लिया था ताकि लोगों को जल संरक्षण का महत्व बताया जा सके। हांगकांग में एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर की वॉक रेस में कांस्य पदक जीतने वाले परमजीत सिंह बुधवार को गोपेश्वर पहुंचे। यहां परमजीत और कोच गोपाल बिष्ट का शिक्षकों और खिलाड़ियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। मेडल जीतने की खुशी में स्कूली बच्चों ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में विजय रैली निकाली। परमजीत का कहना है कि इस बार वो कांस्य पदक जीत कर लौटे हैं, अगली बार देश के लिए गोल्ड मेडल लाने की कोशिश करेंगे। था वो मेरा पहला इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन था, तो थोड़ा नर्वस था, लेकिन सर ने बताया था, जिस तरह से बताया था उसी तरह से हमने रेस पूरी की। इस बार ब्रॉन्ज मेडल लाए, कोशिश करूंगा अगली बार गोल्ड मेडल लाऊं। इससे पहले भी चमोली के कई बच्चों ने अपनी प्रतिभा से देश और राज्य का नाम रोशन किया है। कोच गोपाल बिष्ट कहते हैं कि कम संसाधनों के बीच भी यहां बच्चे अपनी मेहनत से मुकाम हासिल कर रहे हैं। हमारे जो खिलाड़ी रहे उनको देखते हुए उनको मोटिवेट, उनसे जो मोटिवेट होके जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर आज की डेट में थोड़े से हमारे संसाधनों की कमी तो है, बट ये है कि हम लोग थोड़ा सा मैनेज करते हैं उसको। चमोली के ही मनीष रावत और मानसी नेगी वॉक रेस में पदक जीत चुके हैं। अब परमजीत ने कांस्य पदक जीता है। ये बच्चे अपने साथी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। और अब उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में आज 15 उम्मीदवारों ने किए नामांकन। पौड़ी से भाजपा उम्मीदवार तीरथ सिंह रावत और टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह ने भरा पर्चा। नामांकन करने वालों में माकपा, बसपा और अन्य शामिल। राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार घोषित। नैनीताल से अजय भट्ट को मिला टिकट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया दावा, इस बार भी बीजेपी की होगी विजय।
राज्य में कांग्रेस के उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची का भी इंतजार। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने टिकट के लिए पेश की दावेदारी। प्रीतम सिंह ने टिहरी सीट के लिए खरीदा नामांकन पत्र। और विश्व जल दिवस पर दिया गया जल संरक्षण का संदेश। पौड़ी में पानी राखो मुहिम के प्रणेता सच्चिदानंद भारती ने कहा, पानी के मूल स्रोतों को बचाना बेहद जरूरी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।